प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टेलीप्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने डे बुक से संबंधित सभी ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, किस तरह से हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें डे बुक के माध्यम से देखते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम टेलीप्राइम की सभी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, मुख्य रूप से कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स और परचेज रजिस्टर, लेजर रिपोर्ट्स और जनरल रजिस्टर को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टेलीप्राइम में अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टेली में खड़े रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन में जाना है। यहाँ हमें दिखाई देगा अकाउंटिंग बुक्स। जब आप अकाउंटिंग बुक्स में जाएंगे तो यहाँ सभी तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में या टैली सॉफ्टवेयर में पोस्ट करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक का ट्रांजेक्शन है तो उसका डिटेल हमें बैंक बुक में मिलेगा, कोई केस से संबंधित ट्रांजेक्शन है तो उसकी डिटेल हमें केस बुक में मिलेगी। इसी तरह से सेल्स से संबंधित ट्रांजेक्शन सेल्स रजिस्टर में देखने को मिलेंगे और परचेज से संबंधित ट्रांजेक्शन परचेज रजिस्टर में देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके हम इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश और बैंक बुक की। जैसे ही आप कैश और बैंक बुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैश इन हैंड दिखाई दे रहा है और नीचे बैंक अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब आप किसी भी बैंक अकाउंट को ओपन करते हुए रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मंथली समरी दिखाई दे रही है, जिसमें आपके सारे पेमेंट्स, रिसिप्ट्स और क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पर शो होता है। मान लीजिए पर्टिकुलर आप किसी मंथ की सारे ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो आप उस मंथ को सेलेक्ट करते हुए सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख पाएंगे। इसी रिपोर्ट में आपको नीचे की तरफ क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाई देगा और यदि आप रनिंग बैलेंस भी साथ ही साथ देखना चाहते हैं तो आपको इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस करना है और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिया गया है शो रनिंग बैलेंसेस। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। जब आप इसे यस कर देंगे तो आपको रनिंग बैलेंस भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन यदि आप डेली ब्रेकअप देखना चाहते हैं, डे वाइज ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंथली समरी में आना है और यहाँ से कंट्रोल F6 प्रेस करते हुए आप डेली ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर किस डेट पर आपका बैंक बैलेंस हाईएस्ट था और किस डेट पर आपका बैंक बैलेंस लोएस्ट था तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आपको F12 प्रेस करना है। F12 में आपको ऑप्शन दिया गया है शो हाईएस्ट बैलेंस एंड लोएस्ट बैलेंस। आप इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के बॉटम में आपको हाईएस्ट और लोएस्ट बैलेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यही सारे ऑप्शन हम कैश इन हैंड रिपोर्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट है लेजर्स। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी कंपनी के किसी भी लेजर की रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटर का लेजर है, गुरु कृपा जनरल स्टोर। इस लेजर के सारे ट्रांजेक्शन्स हम एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको इसी रिपोर्ट में क्लोजिंग बैलेंस भी देखने को मिलेगा। आप इसी रिपोर्ट से बिल वाइज समरी या फिर मंथली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी देख पाएंगे। अगली अकाउंटिंग रिपोर्ट जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो है सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में सबसे पहले आपको मंथली सेल्स समरी दिखाई दे रही है। आप पर्टिकुलर किसी भी मंथ को सेलेक्ट करते हुए उस मंथ के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रांजेक्शन वाइज प्रॉफिट्स भी यहाँ पर देख पाएंगे। प्रॉफिट्स को देखने के लिए आपको F7 प्रेस करना है, शो प्रॉफिट, और आप देखेंगे कि आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगा। सेल्स रजिस्टर की तरह ही परचेज रजिस्टर भी है, जहाँ पर आप फिर से अपने कंपनी की सभी परचेज ट्रांजेक्शन्स को मंथ वाइज भी देख सकते हैं और पर्टिकुलर किसी मंथ के सारे ट्रांजेक्शन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जनरल रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, इस रजिस्टर के माध्यम से आपने जितनी भी जनरल वाउचर के माध्यम से एंट्रीज को पास किया है उन सभी एंट्रीज को यहाँ पर आप देख पाएंगे। यदि आपने अपनी कंपनी में डेबिट और क्रेडिट नोट्स का यूज़ किया है तो वो रिपोर्ट्स भी आप जनरल रजिस्टर के नीचे ही डेबिट नोट रिपोर्ट, क्रेडिट नोट रिपोर्ट के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ सेकेंडरी रिपोर्ट्स भी देखने को मिल रही हैं। लेजर्स के नीचे ही ग्रुप समरी हमें देखने को मिलता है। ग्रुप समरी रिपोर्ट में हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप की समरी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेंडी डेटर्स की आप ग्रुप समरी देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंडी डेटर सेलेक्ट किया
और डेटर्स के जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक इसी तरह से ग्रुप वाउचर रिपोर्ट है, जिसमें आपने जिस ग्रुप में जितने भी वाउचर्स यूज़ किए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर डेटर रिपोर्ट में देख रहा हूँ, तो डेटर्स के लिए हमने जितने भी वाउचर्स का यूज़ किया है वो सारे यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हमें काउंटर रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर और रिसिप्ट रजिस्टर, ये तीन रिपोर्ट्स और देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से आपने जितनी भी काउंटर एंट्रीज़ की हैं उन्हें आप देख सकते हैं। पेमेंट रजिस्टर में आपने पेमेंट वाउचर्स के माध्यम से जितनी एंट्रीज पास की हैं मंथ वाइज उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से रिसिप्ट रजिस्टर का यूज़ करते हुए रिसिप्ट वाउचर में जितनी भी आपने एंट्रीज़ की हैं उन्हें आप यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से हम अकाउंटिंग बुक्स या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से अपने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स में देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।